हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी चाय, एक ऐसी लाजवाब चाय जिसकी अगर मैं मेडिसिनल वैल्यू अगर मैं बताऊँ तो मैं गिना नहीं सकती। फ्रेंड्स, ये चाय स्पेशली मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि हमारे जो हार्ट के सारे इश्यूज या सारी प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व हो जाए। फ्रेंड्स, ये ट्राइड एंड ट्रस्टेड है। मैं अपने घर में ये मेरे हस्बैंड और मैं हर साल ये चाय पीते हैं। फ्रेंड्स, ये जो चाय है, ये चाय में जो मैं पाउडर इस्तेमाल करने वाली हूँ उसका नाम है अर्जुन की छाल का पाउडर। हाँ फ्रेंड्स, अच्छे से सुन लीजिए, अर्जुन की छाल का पाउडर। आपको ये किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाएगा, जहाँ हमारी सारी आयुर्वेदिक की चीज़ें मिलती हैं उस जगह पे आप जाएंगे और उसको अगर ये बोलेंगे अर्जुन की छाल का पाउडर चाहिए तो आपको ये दे देगा। फ्रेंड्स, इसे हमें क्योंकि इसकी तासीर जो है वो गर्म होती है तो हम बेहतर है कि इसे हम कब इस्तेमाल करें, जब ठंडियों के मौसम में शुरू करें पीना। तो ठंडियों के मौसम में अगर आप इसे पियेंगे तो सुबह नाश्ते के आधे घंटे बाद आप इसको रेगुलर टी के रिप्लेसमेंट की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप रेगुलर टी पीना छोड़ के इस चाय को पीना शुरू करें। तो आप क्या करेंगे, सुबह नाश्ते के आधे घंटे बाद इसको पीना है या फिर शाम में जब हमारा 4 या 5 बजे का टाइम जो होता है चाय पीने का, उस टाइम पर इसको पी सकते हैं। और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आप इसको पी के देखिए, आप खुद हैरान हो जाएंगे इसके रिजल्ट से। तो अगर आप इसे शुरू करना चाहते हैं तो इसका बेस्ट टाइम है सर्दियों में, मीन्स नवंबर दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीने सर्दियों के होते हैं। तो आप इसमें शुरू कर सकते हैं 2 टाइम। लेकिन अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं, आपको लगता है कि मुझे अभी शुरू करना है, तो आप इसे 1 टाइम पीजिए, सुबह नाश्ते के आधे घंटे बाद इस चाय को लें। आपको इसके रिजल्ट्स इतने मिलेंगे कि मतलब आपको यकीन नहीं होगा कि वाकई में मेरी सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व हो रही हैं। तो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल हाई है, अगर आपके हार्ट में ब्लॉकेज है, अगर आपका हार्ट कम पंप कर रहा है, स्लो पंप कर रहा है, इस सारी इश्यूज़ को सॉल्व करने में सिर्फ ये एक टी काफ़ी है। तो आइए रेसिपी शेयर करती हूँ मैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं वो चाय बना रही हूँ। इस पतीले में मैंने इस कप से 1 कप पानी डाला और सेम कप से मैंने मेजर करके इसमें 1 कप दूध डाला, मतलब पानी और दूध बराबर बराबर डाल के मैंने उबलने को रख दिया। और उसके बाद डालने के बाद मैंने इसमें डाला है ये 1 चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये पाउडर, ये मेरा आइसक्रीम का स्पून है, जो जिस स्पून से हम आइसक्रीम खाते हैं उस स्पून से मैंने इसमें डाला है और 1 चम्मच मैंने भर के उसमें डाला है। अब ये देखिए उबलने लगा है तो हम इसे स्लो कर देंगे। अब फ्रेंड्स, हमें इसको उतना उबालना है जब तक कि सारा पानी एवेपरेट ना हो जाए, सारा पानी ख़त्म हो जाना चाहिए और उसमें सिर्फ हमारा जो दूध की क्वांटिटी है, जितना हमने दूध डाला था वो बचना चाहिए। उसके बाद हम इसको छानेंगे। तो इसे उबलने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी चाय को उबलते हुए लगभग 10 मिनट हो गए हैं और ये रिड्यूस हो चुका है। तो अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अगर आप स्ट्रेन करके पीना चाहते हैं तो मैं स्ट्रेन करके पीती हूँ, तो हम इसे स्ट्रेन कर लेते हैं। देखिए, इसे मैं स्ट्रेन कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको जैसा बताया था, इसमें से पानी पूरा एवेपरेट हो चुका है और सिर्फ ये दूध बच गया है। अब इसमें ये हनी है, ऑर्गेनिक हनी है, जो हमारे यहाँ ऊपर हमारी बिल्डिंग पे लगा था, तो फिर उन लोगों ने निकाला था तो मैंने उनसे लिया था। तो आप, ये प्योरली ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसमें 1 टेबल स्पून हनी डाल के और इसे पी सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी ये बहुत टेस्टी लगता है। तो इन सब, और तो आप आज से ही शुरू कीजिए ये चाय और बनाइए अपनी हेल्थ को और अपने हार्ट को फिट एंड चुस्त दुरुस्त। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और मेरे चैनल मेरी वीडियो से आपको अगर कुछ भी फ़ायदा मिल रहा है, कुछ भी सीखने मिल रहा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले आगे काम करने के लिए। तब तक के लिए बाय।